नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। UPPGT 2021 का रिजल्ट आ चुका है। मैंने आप लोग को ये भी बता दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितने लड़के पास हुए हैं। EWS और ST की कट ऑफ देखने को नहीं मिली है, सिर्फ OBC, SC और जनरल से लड़के पास हुए हैं। कितने कितने सब्जेक्ट में कितने लड़के पास हुए हैं ये मैंने पहले ही वीडियो बनाकर बता रखी है। आज हम देखते हैं कट ऑफ कितनी गई। अभी तक हमें दो सब्जेक्ट का कट ऑफ पता चल चुका है, इंग्लिश का और मैथ्स का। इंग्लिश की जो कट ऑफ देखने को मिल रही है UR में 88 से जिसके भी ऊपर नंबर हैं वो सब सेलेक्टेड है, और OBC में अगर 85 की बात करें तो 85 से जिसके भी ऊपर नंबर बन रहे हैं इंग्लिश में वो PGT के एग्ज़ाम में सेलेक्टेड है, मतलब इंटरव्यू के लिए उसे कॉल आई है। अगर मैथ्स की बात करें तो अभी अभी कमेंट बॉक्स में एक रिप्लाई आया है कि 98 मार्क्स सर मेरे OBC से हैं और मैं सेलेक्टेड नहीं हूं। क्या सच में मैथ्स की हाई कट ऑफ देखने को मिली है? सबसे पहले बात बता दें कि मैथ्स में आपको 98 सीटें थी जिसमें 384 के अप्रॉक्स लड़कों को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो कितनी कट ऑफ जाती है ये आप ही लोग डिसाइड करोगे। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिए, अगर आप सेलेक्टेड हो तब भी कीजिए, नहीं सेलेक्टेड हो तब भी कीजिए, तभी मैं हम बता पाएंगे कट ऑफ कितनी गई है। तो इंग्लिश का कट ऑफ आपको जी न्यू ने 100% ट्रू कट ऑफ है, ये इतनी कट ऑफ देखने को मिली है। अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ भी लेकर आऊँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम बताएं इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ें, अगर आप लोग सेलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है। तो अभी जो एक महीने की अंदर का करेंट अफेयर्स है, रिसेंट, वो भी हाईलाइटेड करेंट अफेयर्स, उसी को पढ़िए। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर का पढ़ लीजिएगा क्योंकि टफ करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब अगर 50 नंबर का इंटरव्यू है तो उसमें से 15 नंबर के आपके पास करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, और जो अप्रॉक्स 35 नंबर के आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू में जो आपकी इंटरव्यू हो उसमें आपके जो मार्क्स हैं 50 में से कम 45 प्लस आए। इसमें आपके नंबर जो हैं बहुत बांटे जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो मिनिमम आपके 30 नंबर तो फिक्स ही हैं, इसीलिए इंटरव्यू में ज़रूर जाइए और अच्छे से देकर आइए, क्योंकि इसमें 50 में 49, 50 में 48 नंबर भी देखने को मिला था प्रीवियस ईयर। और मैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स वाले तैयार हो जाइए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, उन सारे फैक्ट को याद कर लीजिएगा, वही सारे पूछे जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, इसके बाद आपको 31 अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग मिलनी है। अब देखते हैं आप लोग के हाथ में ज्वाइनिंग मिलती है या नहीं, एक महीने में आप लोग को सलेक्शन मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, बाय।